हेलो एवरीवन, साइबर लॉ एंड इंटरनेट सिक्योरिटी एमसीक्यू का पार्ट 3 है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने दो बनाया हुआ है, जिसमें एक में 30 क्वेश्चन थे, एक में 25 क्वेश्चन थे। इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइबर सिक्योरिटी प्राइमरली अबाउट किस, मतलब प्राइमरी किस पे फोकस करता है आपका? तो यहाँ पर पीपल के ऊपर, बिल्कुल पीपल फोकस, प्रोसेसेस पे फोकस करता है और टेक्नोलॉजी, ये सब पे फोकस करता है। यहाँ पर आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, साइबर सिक्योरिटी इनकम्पास द फुल रेंज ऑफ, ठीक है, तो किस चीज को करता है? यहाँ पर देखो, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन सही है आपका, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सही है, रिकवरी पॉलिसी सही है। तो सारा का सारा आपका जो है साइबर सिक्योरिटी का मेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ, किस किस को प्रोटेक्ट करते हैं? तो क्या है आपका लिखा है, इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम, बिल्कुल, नॉन इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम। भैया नॉन इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम को नहीं होता, साइबर का मतलब ही क्या हुआ फिर? तो यहाँ पर ए वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉन इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। नहीं चलते, साइबर सिक्योरिटी आल्सो बी रिफर्ड एज, ठीक है, किसे रिफर करते हैं आपका? तो इंसिडेंट सिक्योरिटी नहीं, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को ही बोला जाता है आपका साइबर सिक्योरिटी को। इंटरनेट सिक्योरिटी, थ्रेड सिक्योरिटी नहीं, आपका मेन होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। नहीं चलते हैं, व्हाट व्हाट इज ट्रू अबाउट साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो क्या लिखा, साइबर सिक्योरिटी एज द सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस डिजाइन टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। हाँ बिल्कुल सही, आप इसी बात से, हमारा साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है सब चीजों को, ठीक है। नहीं चलते, साइबर सिक्योरिटी सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस डिजाइन टू प्रोटेक्ट आवर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अगेंस्ट थ्रेट्स। ये भी बात है, आप बताते हैं, हमारा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज भी करता है, प्लस साथ साथ जो है हमारे जो है वो रिसोर्स, जो भी हमारे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पड़े हुए हैं उसको भी आपका जो है वो सिक्योर करने का काम करता है। साइबर सिक्योरिटी इज ए क्रिटिकल फंक्शन एंड नीडेड इंश्योर आप मैनी बिजनेस। ऑब्वियसली बात है, सही बात है कि बहुत सारे बिजनेस को जो है इंश्योर करता है, काफी अच्छी बात होती है बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर डी वाला आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इन विच ईयर द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रिएटेड, मतलब वर्म या वायरस क्रिएटेड, तो कब हुआ था? तो 1970 में पहला वायरस क्रिएट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रोग्राम रॉबर्ट थॉमस क्रिएटेड? तो रॉबर्ट थॉमस ने जो क्रिएट किया था उसको बोलते हैं क्लीपर, क्रीपर था, क्रीपर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? फर्स्ट एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर था वो रीपर करके नाम का सॉफ्टवेयर था, रीपर। तो आप तो पता नहीं कितने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर मॉरिस वायरस नेम, ठीक है, कब मॉरिस वार्म का नाम दिया गया था? तो ये आपका जो दिया गया था वो 1988 में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज वन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी गोल, कौन सा गोल होता है? तो क्या प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा, ठीक है, अभी डेटा का जो भी कॉन्फिडेंट देता है वो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जो नहीं चाहते, जैसे आपका यूजर नेम हो गया, आपका पासवर्ड हो गया, किसी किसी का बैंक बैलेंस का अमाउंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को शेयर नहीं की जाती हैं, तो ऑब्वियसली उसको प्रोटेक्ट करना। प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, भी इंटीग्रिटी ऑफ डेटा भी प्रिजर्व करना जरूरी होता है, तो सही है। प्रमोट द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा फॉर अथोराइज यूजर, मतलब जो डेटा है उसको, जो अथोराइज यूजर है उसको जो है अवेलेबल कराना उस चीज को, तो ये भी आपका सही चीजें हैं। तो यहाँ पर डी वाला आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 11 पे, द यूज ऑफ द इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू स्टॉक और हरास एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड, ठीक है, मतलब स्टॉक या हरास मतलब क्या होता है, क्या किसी का पीछा करो, किसी का आप ऑब्जर्व करो, उसके डेटा को चुराओ, या उसको मेनली उसको प्रताड़ित करना घूम फिर के, मतलब उसको, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं कि आपका साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। नहीं चलते, विच आर द फॉलोइंग इज ए साइबर क्राइम, कौन सा साइबर क्राइम है? तो यहाँ पर आपका हैकिंग भी साइबर क्राइम है, ऑब्वियस है, वार्म अटैक, मतलब वार्म एक वायरस होता है वो भी, उसके से अटैक करना भी है, तो वायरस अटैक ये भी है, तो आपका यहाँ डी वाला आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डैश रिफर टू ईमेल दैट अपीयर टू हैव बीन ओरिएंटेड फ्रॉम वन सोर्स व्हेन इट वाज एक्चुअली सेंट फ्रॉम अनदर सोर्स, मतलब तुम आपके पास एक मेल आया, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये इस ईमेल आईडी द्वारा भेजा गया है, लेकिन जनरली उसका जो सोर्स है
या उसका जो आया वो किसी अदर मतलब किसी अदर मतलब सपोर्ट आपके पास एक HCL का मेल है, आपको लग रहा कि आपको इतना जॉब ऑफर दिखा रहे हैं, इतना सैलरी है, इतना चीजें, लेकिन एक्चुअली में वो आपका किसी दूसरे किसी अटैकर ने आपको मेल भेजा है। तो ऐसे 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 मेल को जो रिफर किया जाता है आपका, वो ईमेल स्पूफिंग किया जाता है, स्पूफिंग, ठीक है। नेक्स्ट, इन साइबर लॉ टेक्नोलॉजी DOS मीन्स DOS, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम जाते हैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इसका नाम होता है, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, ठीक। और अगर यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विसेज सर्विस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे रिफर टू सेंडिंग ईमेल टू थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ यूजर सिमिलर टू ए चेन लेटरिंग, ठीक है। मतलब हम जनरली जो है फर्जी का मेल भेजते जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं आपका, वो इसको बोला जाता है ईमेल स्पैमिंग, जो आपका स्पैम फोल्डर होता है उसमें आपका सारे मेल चले जाते हैं, ठीक है। बाय हैकिंग वेब सर्वर टेकिंग कंट्रोल ऑफ अनदर पर्सन वेबसाइट कॉल्ड वेब, ठीक है, मतलब हैक करके किसी दूसरे के वेबसाइट बेचारे वेबसाइट को हैक करना, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा हाईजैक, ठीक है, हाईजैक कर लिया आपने कंट्रोल, अभी से तो कंट्रोल लेयर है यहाँ पे, कंट्रोल लेयर से हमने हाईजैक कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं आपका, प्रोग्राम दैट मल्टीप्लाई लाइक वायरस बट स्प्रेड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर आर कॉल्ड, ठीक है, जब भी हमारा कोई वायरस होता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर स्प्रेड होता है, स्प्रेड कहता है बाई बाई योर नेटवर्क या बाई द ईमेल, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे वायरस को बोलते हैं वर्म वायरस, ठीक है, वर्म्स। नेक्स्ट, द सेक्शन 66 एफ ऑफ IT Act डील विद, तो सेक्शन 66 जो आपका डील होता है वो साइबर टेररिज्म से वो डील करता है, ठीक है। टन टन एक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग एक्योर इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल बाय मास्कुरेडिंग एज वर्चुअली तथा ट्रस्टफुली एंटिटी इज कॉल्ड, ठीक है। मतलब घूम फिर के यहाँ बात क्या कर रहे हैं, यहाँ बात हो रही कि जैसे हम किसी पर्सन का यूजर नेम या पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल लेना चाह रहे हैं, मतलब वहां से उसको कुछ ऐसा टेक्निक लगा करके उससे हम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आपको बहुत बार ऐसा आपका मेल आएगा कि आपने फला फला इन्फॉर्मेशन भेजी, आपको इतना इतने लाख तक मतलब इनाम मिला है, या आपको ऐसा मिलेगा या जॉब के लिए, या ऐसा फर्जी का बहुत ऐसे मेल आते हैं, तो इसको जो बोलते हैं आपको वो फिशिंग बोला जाता है, ठीक है। जब आपको इस तरह से लालच दे करके आपकी डिटेल निकलवाई जाती है, जिसको बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। फिशिंग जर्नल का, जब हम जो है फिशिंग के जर्नल से चारा डाल के जो है मछली पकड़ना, ठीक है, तो ये समझो आप फिशिंग के उसमें। नेक्स्ट चलते हैं आपका, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड अनसोलिडेटेड बल्क मैसेज आर कॉल्ड, ठीक है, अनसोलिडेटेड बल्क मैसेज जब बोलते हैं इसको बोलते हैं स्पैमिंग करना, ठीक है, स्पैमिंग। तो इस वीडियो में इतना ही, टोटल 20 क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।